हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आज कैर का अचार बनने जा रहा है। कैर का अचार बनाने की इस विधि को देखकर आप भी घर पे आसानी से कैर का बहुत ही स्वादिष्ट अचार बना सकते हैं। इसे टैटी भी कहते हैं। कैर कड़वे होते हैं, इसलिए इसको बनाने का प्रोसेस लंबा होता है। कैर की सब्जी भी बनाई जा सकती है। कैर को सुखा के कैर सांगरी की सब्जी में भी काम में लिए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो कैर लिए हैं। सबसे पहले हम कैर के डंठल हटा देंगे और इनमें से जो खराब है वो भी हटा देंगे। और ज़्यादा ही मोटे जो कैर हैं उन्हें भी हम निकाल लेंगे, उनकी हम सब्जी बना लेंगे। इस तरह से हम सारे डंठलों को हटाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम कैर का अचार डालने का काम करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कैरों को साफ़ कर लिया है। इसके ऊपर के नाके हटा दिए हैं। अब हम इनको पानी के अंदर रखेंगे। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का बर्तन लिया है, इसमें पानी भर दिया है। हम 2 दिन तक इसे सादे पानी में रखेंगे। कैर के ऊपर तक पानी रहना चाहिए, डूबे हुए रहने चाहिए ये कैर। पानी में डालने के बाद इन पे हाथ नहीं लगाना है, चम्मच से हिलाएंगे हम इसे। हाथ ला डालने से हमारे कैर कड़वे हो जाएंगे और अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए जब भी इसके अंदर हिलाना है तो हमें चम्मच से हिलाना है। हम इसे धूप के अंदर रख देंगे, स्टील के बर्तन के अंदर नहीं डालना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा स्टील का बर्तन। इसलिए प्लास्टिक का बर्तन हो तो वही काम में लेना है, या फिर मटकी हो तो मटकी के अंदर डाल सकते हैं। ये 2 दिन तक ऐसे ही पानी के अंदर रहेंगे, फिर हम इसके बाद में इसका पानी बदलेंगे और फिर नमक के पानी में इसको डालेंगे। हमने इसको सादे पानी के अंदर रखा था, अब हम इसे नमक के पानी में रखेंगे। एक बार मैंने पानी बदल लिया है, वापस से इसमें मैंने साफ पानी डाला है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक में यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसको हिला के नमक को अच्छी तरह से, फिर हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे और 2 दिन तक इसे ऐसे ही रखेंगे। 2 दिन बाद इसका वापस से पानी बदलेंगे और फिर वापस से नमक डाल के 2 दिन के लिए रखेंगे, फिर जाके ये अचार बनने लायक हो जाएगा। कैर को पानी में रखे हुए 10-12 दिन हो गए हैं। अब हम इसे 3-4 बार साफ पानी से धो लेंगे अच्छी तरह से मसल के, और इनको छान लेंगे। ऐसे हमें 3-4 बार साफ़ पानी से धोने हैं। इन कैरों को हम चख के देख लेंगे कि ये भी कड़वे हैं कि नहीं है, इनका कड़वापन निकल गया है। कैर को 3-4 बार साफ़ पानी से धो लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, कॉटन के कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे और कैर को कॉटन के कपड़े के ऊपर डाल के 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा में सुखा लेंगे, जिससे कि इसका पानी सारा मर जाए। पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हम इन कैर को छोड़ देंगे 4-5 घंटे के लिए, और पंखे की हवा में या खुली हवा में छोड़कर इनको हल्का सा सुखा लेंगे। ये देखिए, हमने कैरों को सुखा लिया है 5-6 घंटे के लिए। अब हम इसका अचार डालेंगे। मैं यहाँ पे एक भगोना ले रही हूँ, इसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल काम में ले रही हूँ, इंजन छाप। एक बार हम इतना ही तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे कच्चा तेल काम में ले रही हूँ। अब हम इसके अंदर कैर डाल देंगे। फिर इसमें मसाले डालेंगे, ये सूखा धनिया, हरा धनिया,
तीन चम्मच मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ, दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी पाउडर, दो चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि कैर में पहले से ही नमक था। कलौंजी 1.5 चम्मच, यहाँ पे मैं खटाई के लिए अमचूर काम में ले रही हूँ। अगर आप कैरी खाते हो तो कैरी भी डाल सकते हैं, आधी कैरी को इसको बारीक बारीक काट के कद्दूकस करके वो भी काम में ले सकते हैं। अमचूर, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अमचूर डाला है, सौंफ 2 चम्मच, दाना मेथी 2 चम्मच और थोड़ी सी हींग। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर सारे मसाले लिपटे हुए रहने चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ। दो दिन बाद में हम इसके अंदर तेल और डालेंगे जो कि तेल ऊपर तक रहेगा। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि ये दाना मेथी सॉफ्ट हो जाएगी। 2 दिन हो गए हैं, अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। तेल इतना ऊपर रहना चाहिए कि हमारे कैर डूबे हुए रहें। हम चम्मच से हिला लेंगे। तेल हमेशा अचार के ऊपर तक रहना चाहिए जिससे कि अचार खराब नहीं होगा। अब हम इसे ढक के रख देंगे और साल भर तक के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।